आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ पोटैटो स्टिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन कैमरा और किचन कैमरा में मैं हूँ सना खान, आपको वेलकम करती हूँ किचन कैमरा में। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट सी और आसान सी रेसिपी बनाने वाले हैं, और वो बहुत ही डिफरेंट सी और आसान सी रेसिपी कौन सी है? तो किचन कैमरा में हम बना रहे हैं पोटैटो स्टिक्स। तो बहुत ही मज़े की पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए हमने दो पोटैटो लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब मैं इनका छिलका उतार लूँगी। पोटैटो स्टिक्स बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप बच्चों को बना के दें बहुत ही शौक से खाएंगे वो, और बड़े भी बहुत ही शौक से खाएंगे। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो स्पाइसी नहीं बनाएं, और अगर बड़ों के लिए बनाएं तो स्पाइसी बनाएं, क्योंकि आलू जो होते हैं वो थोड़े फीके होते हैं, इसलिए इनमें मसाला जात ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं। तो दोनों पोटैटो मैंने छील लिए हैं, और छील लेने के बाद अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। तो किस तरह से हमने काटने हैं, इस तरह से सबसे पहले सेंटर में से हम एक कट लगाएंगे। और सेंटर में से कट लगाने के बाद अब हम इनको साइड से काट लेंगे। इस तरह से एक एक कट लगाते आएंगे, और क्यूब्स में हम आलू को काटते आएंगे, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। तो इस तरह क्यूब्स में मैंने आलू काट लिए हैं, तो इनके क्यूब्स मुझे थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो इसलिए मैं अब इनको मज़ीद छोटा कर रही हूँ। और मज़ीद छोटा करने के लिए मैं दरमियान में एक एक कट और लगा रही हूँ। अगर आप इस तरह बड़े रखना चाहते हैं तो बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इनको छोटा कर रही हूँ। तो मैंने दोनों आलू काट लिए हैं क्यूब्स में, और आलू काटने के बाद अब हम कर लेंगे इनको बॉयल। तो बॉईल करने के लिए मैंने एक छोटी पतीली ली है, और इसमें मैंने एक कप लिया है पानी का, और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और 1 अदद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैं इसमें काट के ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू जो मैंने अभी काटे हैं, और अब मैं इनको बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, और पतीली मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। तो 5 मिनट के लिए हम इनको बॉईल करेंगे, और 5 मिनट हो जाने के बाद अब हम इनको चेक करते हैं कि बॉईल हुए हैं या नहीं हुए। तो ये बॉईल हो चुके हैं, और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। जस्ट हमें 5 मिनट लगे हैं पोटैटो बॉईल करने में, क्योंकि क्यूब्स में कटे हुए थे इसलिए बहुत ही जल्दी बॉईल हो गए हैं। तो अब हमने इनको बाउल में निकाल लिया है, और ठंडा कर लिया है, और मैंने स्टिक्स ली हैं। मेरे पास थोड़ी मोटी स्टिक्स हैं, अगर आपके पास पतली स्टिक्स हों तो वो ज़्यादा बेस्ट हैं। मोटी स्टिक्स हैं इसलिए हम बॉयल पोटैटो इसमें एहतियात से लगाएंगे, ताकि ये टूटे नहीं। आराम आराम से अब मैं स्टिक में पोटैटो लगा लूँगी। दो पोटैटो लिए हैं मैंने, और दो पोटैटो की 4 से 5 स्टिक्स आराम से बन जाएंगी। अगर आप ज़्यादा स्टिक्स बना रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा पोटैटो लेंगे, और अगर आप कम बना रहे हैं स्टिक्स तो फिर आप एक पोटैटो लेंगे। तो इस तरह एक एक क्यूब उठाते हुए मैं स्टिक में लगाती आऊँगी। तो स्टिक में मैंने पोटैटो लगा लिए हैं, तो इस तरह 1 बाय 1 मैं सारी स्टिक्स बना लूँगी। स्टिक्स में पोटैटो लगा लूँगी मैं। पोटैटो स्टिक का ये बहुत ही आसान तरीका है, और बहुत ही मज़े की बनती हैं इस तरह पोटैटो स्टिक्स, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये आसान तरीका मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि आप भी घर में ज़रूर बनाएं। तो अब मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, और अंडे मैं तोड़ लूँगी एक एक करके। पोटैटो स्टिक्स के लिए अब मैं मसाला जात तैयार कर रही हूँ। तो दोनों अंडे तोड़ के मैंने ऐड कर दिए हैं प्लेट में,
और अंडे ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून। नमक मैंने पोटैटो में भी ऐड किया है इसलिए मैं इसमें कम नमक ऐड कर रही हूँ। और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून। गरम मसाले में हमारा भुना कूटा ज़ीरा है, कलवंजी है और मेथी दाना है। ये सारी चीज़ें लेके ग्राइंड करके मैंने गरम मसाला बनाया है और इनको मैंने ऐड कर दिया है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी। तो मसाला मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अंडे का और पोटैटो स्टिक्स लिए हैं मैंने जो बनाई हैं, और ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने। तो अब मैं एक एक पोटैटो स्टिक उठा के अंडे के मसाले में डिप कर लूँगी। स्टिक्स हैं मेरे पास और बॉयल पोटैटो हैं इसलिए एहतियात से हम डिप करेंगे। अगर इस तरह डिप ना हो तो फिर चम्मच से भी हम इस मसाले को पोटैटो के ऊपर लगा सकते हैं ताकि आसानी से सारे पोटैटो क्यूब्स के ऊपर हमारा मसाला लग जाए। इस तरह से सही नहीं लग रहा तो मैं चम्मच से भी इसके ऊपर मैंने मसाला लगा लिया है अंडे का। और मसाला लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैं हाथों से लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से पोटैटो के ऊपर लगें। तो इस तरह से मैंने सारी पोटैटो स्टिक्स रेडी कर ली हैं और अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने 1 पोटैटो का पीस ऐड कर दिया है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पोटैटो स्टिक्स फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो पोटैटो का पीस अब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हमारा ऑयल पोटैटो स्टिक्स फ्राई करने के लिए रेडी है। तो अब हम इसमें पोटैटो स्टिक्स 1 बाय 1 ऐड करेंगे और फ्राई करते आएंगे। पोटैटो स्टिक्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। चम्मच से हम इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे। इस तरह से चम्मच को घुमाते हुए इनकी साइड्स चेंज करते आएंगे ताकि ये चारों साइड से ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है क्योंकि आलू हमारे पहले से ही बॉयल हैं इसलिए इनको ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना। जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। और पोटैटो स्टिक्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में या डिश में। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सारी पोटैटो स्टिक्स फ्राई कर ली हैं। तो अब हमारी गर्मा गर्म बहुत ही मज़े की पोटैटो स्टिक्स रेडी हैं। बहुत ही स्पाइसी बनी है और बहुत ही कम टाइम में बनी है। आप भी इनको घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी है और आपके घर में कैसी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।